मंदिर के आगे का साफ सफाई जो कि भीमचा कर रहे हैं। भीमचा इधर देखिए, हम लोग का गैंग का सरदार है ये। सिरजन जी छत का साफ सफाई कर रहे हैं। ये गर्भगृह है, इसका साफ सफाई मेरे पापा कर रहे हैं अंदर। और ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, सब में कल टेंट समाना सब लग जाएगा। अभी हम लोग कल के जलभरी के लिए झंडा बना रहे हैं। इधर तैयारी हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पे। और ये रहा मेरा घर, और देखिए इधर यहीं पे है बगल में, 13 साल से और ये बहुत दिन से यहाँ पे। हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी? मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हो आनंद का ब्लॉग। आज है 19 जनवरी और जब तक आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तब तक 19 जनवरी पार हो चुका होगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेट से पोस्ट होगा। और 20 तारीख को मेरे गांव में कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे गांव में एक माता जी का मंदिर बना है, जो माता का 7 रूप होता है, उन्हीं 7 रूप का मूर्ति बैठने वाला है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगा। और उसके बाद एक हनुमान जी का मूर्ति भी बैठाया जाएगा उस मंदिर में। उस मंदिर का नाम है बुढ़िया माई मंदिर। और गाइस, इस मंदिर में जो पूजा होगा, इस पूजा को मेरे मम्मी और पापा करने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। इस मंदिर को गांव के चंदा के द्वारा बनवाया गया है, 3-4 साल से बन रहा था ये मंदिर, जो बनकर अभी रेडी हो चुका है। 22 जनवरी जिस दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा अयोध्या में, उसी दिन हमारे इस मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है, तो उसी का जलभरी है 20 तारीख को। पूजा स्टार्ट होने से पहले जलभरी होगा, तो जलभरी के लिए हम लोग गंगा जी जाने वाले हैं, सब लोग जाएंगे गांव के लोग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, सभी लड़के लोग जा रहे हैं मंदिर को धोने के लिए, क्योंकि कल से स्टार्ट हो जाएगा पूजा, तो आज सब साफ सुथरा करके मंदिर को सजाना भी है। तो चलिए चलते हैं बुढ़िया माई मंदिर के पास, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर को। सो गाइस, अभी हम पहुंचे हैं बुढ़िया माई मंदिर के पास। आप पीछे जो मेरे आपको मंदिर दिख रहा है, यह बुढ़िया माई मंदिर का मंदिर है, और यह मंदिर मेरे घर से करीब 100 या 150 मीटर की दूरी पे होगा। चलिए आपको पूरा मंदिर दिखाते हैं। ये रहा बुढ़िया माई का मंदिर के आगे का पार्ट, और ये साइड से अभी सबका साफ सफाई चल रहा है। और यहाँ पे लोगों के पानी पीने के लिए एक कल लगाया गया है, और यहाँ पे पूरा जितना भी गाछी है सबको साफ सुथरा किया गया है पूजा के लिए, आप देख सकते हो। इधर ये बाजा वगैरह आया है अभी। और यह है बुढ़िया मैया का मूर्ति, इन्हीं का स्थापना होगा, इन्हीं के मूर्ति का स्थापना होगा इस मंदिर के अंदर। पहले बहुत ही छोटा सा मंदिर था, तो अभी ये नया मंदिर बना है, इसी के अंदर इनको विराजमान किया जाएगा। और ये रहे हनुमान जी, तो इनका भी मंदिर बना है छोटा सा, नया मूर्ति आएगा, ये खंडित हो चुका है। तो इनका मंदिर यहाँ पे है, आप देख सकते हो। और इसका साफ सफाई ये रोशन जी कर रहे हैं, इनके लिए भी एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, आप देख सकते हैं। और ये रहा बुढ़िया माई का मंदिर का गर्भगृह, यह अंदर का सीन है। सृजन जी अभी साफ सफाई कर रहे हैं, और इधर भी साफ सफाई चल रहा है। चलिए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पे जो देवी का 7 रूप होता है, उसी का मूर्ति यहाँ पे बैठेगा। और ये रहा गर्भगृह, यहाँ से निकलने के लिए है और यहाँ से अंदर आने के लिए है। आप इस मंदिर का परिक्रमा भी कर सकते हैं, भीतर ये चारों तरफ से बरामदा बनाया गया है चारों तरफ से। अभी पूरा गंदा हो चुका है, सबका साफ सफाई चल रहा है। और ये रहा बाहर का सीन, बाहर भी सब साफ सफाई किया गया है पूजा के। मूर्ति स्थापना के बाद अष्टजाम भी होने वाला है यहाँ पे, सृजन जी साफ सफाई करते हुए, और यहाँ पे भीमचा भी लगे हुए हैं, और हम अपना वीडियो बना रहे हैं गाइज। और जब साफ सफाई खत्म होगा तो उसके बाद मेरा काम बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरे मंदिर को फूल से सजाना है, जो कि शाम में शायद होगा। मंदिर के आगे का साफ सफाई जो कि भीमचा कर रहे हैं। भीमचा इधर देखिए, हम लोग का गैंग का सरदार हैं ये। यहाँ पे रोशन जी ग्रिल का साफ सफाई कर रहे हैं, और ये हैं सर जी, ये भी इधर से ग्रिल का साफ सफाई कर रहे हैं। ये गर्भगृह है, इसका साफ सफाई मेरे पापा कर रहे हैं अंदर। और इधर भी पूरा गंदा हो चुका है, तो ये सृजन जी छत का साफ सफाई कर रहे हैं। अभी और भी बाकी लोग आने वाले हैं साफ सफाई करने के लिए। और साफ करने के बाद इसको सबको पानी से धोया जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे नल में पाइप लगाए जा रहे हैं मंदिर को धोने के लिए। रोशन जी, जिनको हम लोग प्यार से बजरंग वाली बोलते हैं, और मंदिर के छत पर चढ़े, उस टाइम से ये बजरंग वाली का मंदिर ही साफ कर रहे हैं, क्योंकि इनको बजरंग वाली से लगाव है, इनको प्यार से हम लोग बजरंग वाली भी बोलते हैं। और ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, सब में कल टेंट समाना सब लग जाएगा, ये सब कल विसर्जन होगा। बहुत ज्यादा ठंडा है गाइस, फिर भी हम लोग यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं। A few moments later. भीमचा और सृजन जा रहे हैं लोग फूल लाने के लिए आमी
गंगा जी और अंबिका भवानी को न्योता देने के लिए जा रहा है और उधर से फूल भी लेकर आ जाएगा ये लोग। और मंदिर को भी हम लोग धो दिए हैं, अब जा रहे हैं हम लोग घर। ये है रोशन जी। तो गाइज मंदिर को हम लोग धो लिए हैं और हम लोग जा रहे हैं घर। सृजन और भीम चल गए हैं आमी फूल लाने के लिए, तो फिर हम लोग शाम में आएंगे मंदिर को सजाने के लिए। अब जा रहे हैं हम लोग घर। और ये रहा मेरा घर, और देखिए इधर यहीं पे है बगल में, 13 साल से और ये बहुत दिन से यहाँ पे इसी के ऊपर रहता है। अभी ठंड के कारण नहीं निकला हुआ है, बहुत डरावना लगता है दिखने में। ये ठंड के कारण अभी बाहर निकला हुआ है। ये देखिए, ये क्या है? ये है गोह, छिपकली का बड़ा प्रजाति। देखिए हम लोग गोह देख रहे हैं यहाँ पे, ये लोग भी गोह देख रहे हैं। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। 2 hours later अभी हम लोग कल के जलभरी के लिए झंडा बना रहे हैं। इधर सृजन जी बांस काट रहे हैं और ये इधर झंडा लगा रहा है भुअर, और इधर बाकी बंदे लोग हैं। देखिए कल का तैयारी हो रहा है गाइस, देख लीजिए यहां पे। ओके, कल होने वाला है भव्य जुलूस, जुलूस नहीं जलभरी। और जलभरी के लिए हम लोग झंडा बना रहे हैं, आप देख सकते हैं इधर भी बहुत सारा बांस आए हैं और इधर झंडा रखा हुआ है। सबको आज रात भर में बहुत सारा झंडा बना देना है। देखिए आयुष लगा हुआ है झंडा बनाने में, काफी एक्टिव है हमारे गांव के लड़के लोग। एक झंडा बनकर रेडी हो चुका है, देखिए। देखिए अभी पूरा अंधेरा हो चुका है और रात अब होने वाले कुछ ही देर में, फिर भी हम लोग लगे हैं अभी तक झंडा बना रहे हैं। ये सृजन जी हैं और इधर मोचन जी और ये कुशल जी झंडा का निरीक्षण करते हुए। बाकी लड़के लोग गए हैं उधर बांस काटने के लिए और पूरा अंधेरा हो चुका है अभी। हम्म। 8:01 PM तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर का डेकोरेशन करने के लिए। मैं और मेरे दोस्त लोग सब लोग जाएंगे मंदिर का डेकोरेशन करेंगे। तो गाइज खाना पीना खाने के बाद हम लोग पहुंचे सीधा मंदिर के पास और 8:30 के करीब अभी टाइम हो रहा है। और मंदिर को सजाने में मेरा हाथ बटा रहे भीमचा और झुनझुन चाचा, ये मेरे चाचा लगते हैं रिश्ते में। मंदिर को सजाने के लिए हमने गेंदे की फूल कलरी का यूज किया है क्योंकि पूजा 3-4 दिन तक चलता तो दूसरा फूल का यूज करते तो वो सूख जाते और गेंदा का फूल 3-4 दिन तक आराम से टिक सकता है, इसीलिए हम लोगों ने गेंदा का फूल का ही लरी बहुत सारा मंगवाया था। छोटा छोटा गुलदस्ता बनाने के लिए हमने घोरा पत्ता, फोम और प्लास्टिक के फूल को मंगवाया था और इन्हीं की हेल्प से हमने छोटा छोटा बहुत सारा गुलदस्ता बना लिया था और डबल साइडेड टेप की हेल्प से मंदिर में कहीं कहीं पे चिपका दिया था, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। फ्रेंड्स अब पूजा 3-4 दिन तक होने वाला है तो यह वीडियो भी आगे कंटिन्यू रहेगा पर अलग अलग पार्ट में आएगा, सो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है आगे के वीडियो में। तो गाइस फाइनली मंदिर पूरा सज चुका है। रात बहुत ज़्यादा हो चुका है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि बिहार में करीब 15 दिन से सूरज का धूप नहीं निकला है। सजावट का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो हम कल आकर कर देंगे। ये रहा हनुमान लाला का मंदिर, यहाँ पे भी फूल लगा दिया हम लोगों ने और इधर भी। वो डेकोरेशन करते करते पूरा रात हो गया, देखिए रात का 10 बज रहा है अभी, पूरा अंधेरा। बहुत रात हो चुका है गाइस, अब चलते हैं घर पे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और सीधा मिलते हैं अब कल। घर पानी सूख चुका है, सभी लोग उस पार जाएंगे। और गाइज यहाँ से देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो गाइज कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं गंगा नदी के पास, आप देख सकते हो कितना भीड़ है। मैया की जय, रामचंद्र जी की जय।